जय जगन्नाथ। अर्गस न्यूज चैनल द्वारा आयोजित ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें हमारे मध्य उपस्थित हैं हमारे मुख्य अतिथि, मैं तो मानता हूं हमारे पद्मश्री आदरणीय साहू साहब और उसके बाद में हमारे मध्य विराजमान है जिनका भी उद्बोधन हुआ, जिनकी कर्मभूमि उड़ीसा है ऐसे अशोक दलवाई जी और जिनकी जन्मभूमि रही है ऐसे हमारे पूर्व डीजी त्रिलोचन जी महापात्रा जी और साथ ही बीच में विराजमान है डॉक्टर सतीश मराठे जी और अजीत कुमार जी, आदरणीय प्रकाश साहू जी, साथ ही जैना जी और हमारे मध्य विराजमान है हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय समीर मोहंती जी और युवा नेता हमारे रणजीत जी और सभी उपस्थित यहाँ पर आए हुए हमारे किसान बंधुगण और सभी हमारे यहाँ पर आए हुए अतिथिगण और सभी भाइयों और बहनों, आज मैं सबसे पहले तो अर्गस न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने किसानों के विषय पर और कृषि के कल्याण के लिए ये कार्यक्रम का विषय रखा और कोऑपरेटिव के सेक्टर से हम कैसे किसानों के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं पूरी तरह से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस मंच पर खड़े होकर और जिस तरह से मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ विषय रखा और जब हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि की बात करने पर आम जन के अंदर यह होता है कि किसान है तो गरीब होगा, किसी कहानी के अंदर भी लिखते हैं ना कोई तो किसान की कहानी लिखता है तो सबसे पहली पंक्ति आती है कि एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, यह नहीं लिखा जाता कि धनाढ्य किसान रहता था, या किसी सेठ की कहानी लिखी जाती है तो उसमें लिखा जाता है कि एक गांव में एक धनाढ्य सेठ रहता था। अब उसके घर पे खाने के दाने हैं कि नहीं है वो विषय नहीं है, लेकिन धनाढ्य सेठ है, वो सेठ है तो धनाढ्य होगा, लेकिन किसान है तो गरीब ही है। गरीब क्योंकि उसके जहन में हमने किसान को गरीब डाल दिया। एक्चुअल में तो किसान सबसे ज्यादा, अगर कोई जमींदार अगर है तो वह किसान ही तो है जिसके पास सबसे ज्यादा भूमि है, देश का पेट पालने का काम किसान कर रहा है। और आप और हम सब जानते हैं कि भारत जब आजाद हुआ था उस समय कृषि का योगदान देश की जीडीपी में, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जीडीपी में कितना योगदान क्या है, सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान था तो कृषि का ही था, कृषि और पशुपालन, और इसके माध्यम से जो इनकम होती थी उसमें 50% से अधिक जो जीडीपी में योगदान था तो कृषि का था। लेकिन धीरे 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 दूसरे सेक्टर के अंदर तो काम बढ़ता गया लेकिन किसान और कृषि घटती गई और उसका परिणाम यह हुआ कि 2023 आते आते सिर्फ 13% योगदान रह गया कृषि का जीडीपी के अंदर। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने उसके बाद में लगातार जीडीपी में वृद्धि हो रही है और जो अब लगभग 20% के आसपास पहुंच चुकी है जीडीपी का योगदान, कृषि का जीडीपी में। तो यह जब काम होता है तो उसके पीछे एक सोच होनी चाहिए कि हम काम कैसे करें। और आपको बताया किसान के सिर्फ 3-4 चीजों की कमी होती है, ज्यादा कोई किसान को ऐसे प्रमुख उसके लिए की आवश्यकता, किसान खुद अपना अनाज तो पैदा करता ही है, किसान के स्वयं के घर पर अगर खाने पीने के लिए तो अनाज भी पैदा करता है तो सब्जी भी पैदा कर लेता है तो उसके तो पशुपालन भी है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकारों की ओर से अगर उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो वह किसान तरक्की कर सकता है और किसान अपने आप में आगे बढ़ सकता है। तो उसके लिए किसान को क्या चाहिए?
और किसान को अधिकतम तो उसको चाहिए किसान के अच्छी किस्म का उसको बीज मिल जाए, उन्नत किस्म का बीज मिले और उसके बाद में उसको लागत में कमी आ जाए और उसके बाद में उसके भंडारण की व्यवस्था हो जाए और उसके बाद में अंत में उसको मार्केट मिल जाए जहां उसको अच्छी रेट मिले। इन तीन चार चीजों को लेकर किसान हमेशा असमंजस में रहा और किसान को वो सुविधाएं नहीं मिली जिसकी वजह से जीडीपी के अंदर कृषि का योगदान धीरे धीरे कम होता गया और दूसरे सेक्टर में ये सारी चीजें उनको मिलती गई, उसके ऊपर सरकारों ने भी काम किया और उसकी वजह से उसके अंदर शेयर सेक्टर दूसरे जितने भी इंडस्ट्री सेक्टर हो या अन्य सेक्टर के अंदर वो उनको प्रॉफिट मिलता गया। लेकिन कृषि के अंदर ये जो चार पांच उसको न तो मार्केट मिला न भंडार, जब उसके मार्केट के अंदर उसको अगर कई बार किसान के साथ ये धोखा होता है कि उसको बीज अच्छा नहीं मिलता उसकी वजह फसल उसकी पिट जाती है। तो अभी जैसा कि उसके साथ ही उसके भंडारण अब माल तैयार हो गया लेकिन कई बार फसल बरसात के समय में उसके ऊपर सब कुछ खेत में लेकिन खत्म हो जाता है, उसके नुकसान हो जाता है और मार्केट की तो सबसे बड़ी चिंता हम कर ही रहे हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सरकार में आए तो सबसे पहले इसी पे काम किया कि हम किसान के लिए सबसे पहले तो बजट को बढ़ाने की आवश्यकता है वरना बजट के बगैर तो कुछ होना ही नहीं है। देश की आबादी के अंदर 70% तो किसान लेकिन कृषि का बजट वो सिर्फ 22,000 करोड़ 23,000 करोड़। 2014-13 से पहले कृषि का बजट ही सिर्फ 23,000 करोड़ ही था अधिकतम। कृषि का टोटल बजट 23,000 करोड़ रुपए जिसमें से आधे से अधिक तो सैलरी के चले जाते थे जो कर्मचारी और अधिकारी जो सर्विस करते हैं उनके, फिर पीछे कुछ पैसा बचता जैसे छोटी मोटी योजनाएं चला लो या दाम के काम पर क्योंकि घोषणाएं हुई है चुनाव में किसान के लिए करेंगे तो किसान का कहीं ना कहीं तो नाम आए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज वह कृषि का जो बजट उस समय 22-23 हजार करोड़ था वह अब कृषि का बजट है वो 1,25,000 करोड़ है, यानी कि 5.5 गुना वृद्धि की गई है। 5.5 गुना वृद्धि बजट की भी की और जो डबल इनकम की बात कर रहे हैं ना अभी बात हो रही थी इनकम बढ़ाना, उस कमेटी के चेयरमैन हमारे सामने बैठे अशोक जी दलवाई साहब जो यहां के आपके कैडर के अधिकारी रहे पहले, इन्होंने इन्हीं पैटर के ऊपर काम शुरू किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें जब डबल इनकम में और इनकम बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो हमें उनको क्या क्या सपोर्ट देने की आवश्यकता है और जब सपोर्ट की बात आई तो इसके अंदर यही जो 4-5 पिलर है जिन पिलरों के ऊपर 7 पिलरों के ऊपर काम प्रारंभ किया कि उसके उत्पादन में वृद्धि हो, उत्पादकता में वृद्धि हो, लागत उनके जिस तरह से एफपीओ बनाकर उनका कोऑपरेटिव बनाने का काम आया हो, ये सारे उनको सपोर्ट से लेकर और जो भी नुकसान अगर कोई होता है तो उन सब विषयों पर हुआ। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा काम ये किया जिस पर सारी चर्चाएं अभी हो रही थी कि कोऑपरेटिव के माध्यम से, क्योंकि जब तक संगठित नहीं होगा किसान हो चाहे कोई भी, हम सभी कहते हैं संगठन में शक्ति है, ये तो हम सब जानते ही हैं और संगठन में शक्ति है कि एक अकेला किसान कुछ नहीं कर सकता, अकेला व्यक्ति अपने हम देखते कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब हम एक साथ अगर ताकत अगर 5 अंगुलियां उनकी अगर एक मुट्ठी की तरह हम इकट्ठे हो जाते हैं तो हम कुछ भी करने में सक्षम हो जाते हैं। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन 7 पिलरों में पर जो काम शुरू किया कि इनकम को बढ़ाना कैसे किसान के, तो उसमें इन सारी चीजों को साथ में लिया कि किसान को उसके नुकसान होने पर भी उसको भरपाई मिले, तो उसके साथ ही वो खुद सॉर्टिंग ग्रेडिंग यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट भी स्वयं की लगाए। आज वैल्यू एडिशन का सबसे बड़ा काम है, वैल्यू एडिशन हमारे किसान क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन के लिए उनको जब विषय आता है तो बाजार के अंदर मंडी के अंदर माल लेके जाता है और बेच के आता है। किसान इंतजार करता है लास्ट समय तक, क्योंकि मैं भी किसान रहा हूं, मैंने खुद ने खेती की है, मैं खुद बैल से खेती किया करता था और जिस तरह से खेती अगर से हम सब करते हैं तो जिस तरह से किसान जब अंत में क्या सोचता है कि मेरी फसल जो पकी है वह फसल जो पकी है उसको मंडी के अंदर मुझे कब बेच दूं जाके, और बेचूं तो मैं मेरा जो कर्जा लिया है या जो भी है मैं उसको पूरा कर सकूं, क्यों उसको जल्दी इसी बात की रहती है कि वो मंडी में बेचे। और मंडी में जब जाता है तो बोली लगाने वाला व्यापारी होता है, वो बोली लगाता है, किसान उसके मुंह की तरफ देखता रहता है कि 1 पैसा बढ़ जाए, 2 पैसे बढ़ जाए, 10 पैसे बढ़ जाए, ताकि और जैसे जैसे 1-1-2 पैसा, और वो जो आढ़तीय होते हैं जो मंडी के अंदर व्यापारी होते हैं
वो सब मिले, उनको पता है मुझे आज 500 टन खरीदना है, आज मुझे 10 टन खरीदना है, या मुझे 10 क्विंटल खरीदना है, वो उसके हिसाब से सब तय कि इससे ज्यादा जाना है ना बात है, किसान से माल लेना है, और किसान के घर से माल निकला रेटें भी बढ़ना शुरू हो जाती है। इस तरह से किसान के साथ हमेशा छलावा होता रहा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें जब वो किसान से व्यापारी माल परचेज करके और जब वो उसकी प्रोसेसिंग करके और अधिक पैसे कमा सकता है, आलू से आलू की चिप्स बनाकर बेच देता है वो अधिक पैसा कमा रहा है, टमाटर से टमाटर सॉस बना रहा है, ऐसे ही फल से जूस बनाकर बेच रहा है, तो ऐसे ही बनने वाले जितने भी बाई प्रोडक्ट है आज हर जगह पर हम देखते हैं खाने की कितने इतने आइटम हैं, चाहे बिस्किट से लेकर अन्य अन्य प्रकार के सारे जो आइटम है, हम जहां बैठते हैं किसान के खेत से निकली हुई चीज को हम खाते हैं, लेकिन किसान के खेत से निकलने वाली चीज जो निकलती है उसका इनकम जो प्रॉफिट लेता है वो कोई व्यापारी लेता है। किसान के खेत में से निकला तो उसको तो लागत के बराबर ही उसको पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता था। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 10,000 एफपीओ बनाई, उसका लक्ष्य लिया कि 10,000 एफपीओ बनाकर किसान कोऑपरेटिव के तहत वो अपनी खुद की प्रोसेसिंग यूनिट लगाए, सॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट लगाए, और उसके बाद में उसकी अच्छी पैकिंग हो, और इसके लिए एफपीओ सिर्फ बनाए ही नहीं, उनके सीबीबीओ का भी गठन किया गया कि सीबीबीओ का गठन हो ताकि उनको किसान के पास में संकट आता है कि उसको अकाउंट मेंटेन भी नहीं करना आता, कई बार कभी उसको मार्केट लिंकेज की बात आती है, कहां पर मार्केट है, कहां पर उसको मिले, और कैसे फॉर्म सबमिट हो, कैसे उसके लिए अगर कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगानी है तो उसको अगर कोई बैंक के अंदर अगर फाइल भी सबमिट करनी है तो किसान को तो वो भी जानकारी नहीं है। ऐसे में किसान और उसको ट्रेनिंग देने से लेकर सारे विषयों को लेकर एक सीबीबीओ का गठन किया गया, जिसको सरकार के द्वारा उनको भी सपोर्ट किया जाता है कि तुम 5 साल तक ये जो हमारे जो छोटे किसान हैं उनको जाकर आप ट्रेनिंग दो, उनके अगर फाइल सबमिट करनी है तो फाइल भी तुम तैयार करके बैंक में सबमिट करो, उसके बाद में उनके माल की प्रोसेसिंग यूनिट है उसको संचालन करने का काम भी 5 साल तक तुम करो, किसान तुम्हारे पास खड़ा रहेगा देखेगा, बाकी सब काम तुम्हें करना है, और उसके बाद में कौन सी वस्तु किस मार्केट में देश के इस कोने में है या उस कोने में है या विश्व के किस कोने में माल बिकता है उसको बेचने की जिम्मेवारी भी उस सीबीबीओ की है, उसके अंदर इसके सारे एक्सपर्टीज लोग होते हैं। इस तरह की एक व्यवस्था की गई और वो 5 साल तक सपोर्ट करने के बाद उस सीबीबीओ को यह होगा कि वो सीबीबीओ 5 साल बाद में अपना किसानों को वो फैक्ट्री सुपुर्द करके और वो एफपीओ जो कोऑपरेटिव जो हैं जो समूह बनाकर किसानों को किया गया उससे वो चला जाएगा और किसान का वो एफपीओ संचालन जो कंपनी है वो आगे निरंतर चलती रहेगी। और 5 साल में कोई कंपनी चलती है तो उसके बाद तो कोई भी व्यक्ति किसान आराम से चला सकता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने अभी अमूल का सब सुन रहे थे। अमूल के अंदर अपन ये एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव के अंदर अमूल डेयरी पशुपालन के अंदर भी बात करें तो आज दूध की सबसे बड़ी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो अमूल का है, एक बहुत बड़ा हमारे सामने उदाहरण है। जब गुजरात के किसान अगर संगठित होकर इस तरह से अपने दूध के प्रोडक्ट को बाई प्रोडक्ट बनाकर और दूध से जिस तरह से आइसक्रीम बना देते हैं, दूध से वो दही बनाकर, छाछ बनाकर, दूध से घी बनाकर और जिस तरह अन्य अन्य प्रकार के कई प्रोडक्ट बनाकर और वो बेचते हैं तो उसका प्रॉफिट किसान को दूध बेचता है उस समय तो उसका दूध का पैसा मिल जाता है, और उसके बाद में जब कंपनी का प्रॉफिट होता है तो वो भी किसान को ही पैसा उसमें शेयर हो जाता है। तो ऐसे एक समूह जिस तरह से उस दूध के सेक्टर में जिस तरह से अमूल की तरह जिस तरह से काम हुआ वैसा ही काम कृषि के अंदर भी हो, किसानों की ताकत बढ़े और उसके लिए ये 10,000 एफपीओ बनाए और एफपीओ बनाकर, और मैं आज यह कहना चाहता हूं कि 10,000 एफपीओ आने वाले समय के अंदर किसानों के लिए क्रांतिकारी कदम होगा। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस तरह से किसानों को अब आने वाले समय में सिर्फ कृषि के उत्पादन को मंडी में बेचने वाला ना बनके और खुद की प्रोसेसिंग यूनिट और फैक्ट्री लगाकर और वो कृषि भी करे और व्यापार भी करे। हमारा युवा पढ़ा लिखा युवा साथी है वो जिस तरह से नए नए में देख रहा हूं स्टार्टअप के तौर पर अभी आ रहे हैं इस देश में, लगभग 1 लाख स्टार्टअप जो है उनमें से आज लगभग 20,000 हमारे स्टार्टअप है जो एग्रीकल्चर से बेस से जुड़े हुए हैं।